हाँ तो बच्चों, आज हम बताएंगे निरक्षीय अक्ष की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय अक्ष के बारे में मैं बताया था आप लोगों को कि जब कोई अक्ष के परपेंडिकुलर अगर वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव ये भी है, इसके लंबवत एक अक्ष खींची गई है, इसलिए कहलाएगी निरक्षीय अक्ष। निरक्षीय अक्ष का कोई पॉइंट है यहाँ पर, मान लेते हैं पी। इस पॉइंट पी पर निकालना है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या नोट कर लें, कुछ पॉइंट इसमें है, लिख दीजिए। जब भी आप वीडियो देखें तो हाथ में कलम और रफ या कॉपी होनी चाहिए, लिखते भी चलिए। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसकी लंबाई 2L है, निरक्षीय अक्ष की स्थिति में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु ए से बिंदु पी को मिलाएंगे और बिंदु बी से बिंदु पी को मिलाएंगे। यहां देखिए, एपी बराबर जितना एपी है उतना ही बीपी है, बीपी बराबर, और ये पूरी लंबाई ए से बी तक की लंबाई 2L है, तो ए सेंटर ओ है, तो ए लंबाई होगी L और इधर वाली भी लंबाई होगी L। ए आधार है और ये लंब है, लंब यह R है, ये टोटल जो है ओ से पी की दूरी R है और ए से ओ की दूरी L है। तो AP बराबर BP बराबर पाइथागोरस के प्रमेय से हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो है जो डिस्टेंस है बी पी, ये होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एपी और बीपी दोनों बराबर होगा, एपी बराबर बीपी बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए, इस माइनस क्यू के कारण निकाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू आवेश के कारण निकाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर। शुरू करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए कर दे रहे हैं, ई ए बराबर 1/4 पाई इप्साइलॉन 0 क्यू अपान ए पी स्क्वायर। और डायरेक्शन देखिए क्या होगा, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू है तो जिस बिंदु पर निकालना होता है उस बिंदु से माइनस की ओर इस डायरेक्शन में होगा E, A, इधर होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पी ए दिशा में, पी ए दिशा में डायरेक्शन जरूर लिखेंगे। यह बराबर हो गया 1/4 पाई इप्साइलॉन 0 क्यू अपान ए पी का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब लिखेंगे
प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू है तो EB बराबर 1/4πε0 Q/BP स्क्वायर और BP की वैल्यू भी यही है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर डायरेक्शन प्लस से उस बिंदु की ओर होता है तो लिखेंगे BP इस दिशा में और BP दिशा में लिख करके BP को और आगे की ओर बढ़ाएंगे इस पर लिख करके ऐसे रखेंगे स्केल को और आगे की ओर बढ़ाएंगे इधर यह हो गया EB इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं आप स्क्रीन शॉट लेकर के भी नोट कर सकते हैं या वीडियो को वहां पर स्टॉप करके भी नोट कर सकते हैं देखिए यहाँ पे ये दो वेक्टर हो गए यहाँ पर इस पॉइंट पर EA इधर है और EB BP के दिशा में है इधर है अगर हम मान लेते हैं यह कोण ये कोण PAB थीटा है तो ये भी कोण उतना ही होगा PBA ये भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं अच्छा ये जो ट्रायंगल है ए पी ए बी पी ए बी में यह बहिष्कोण है और इस बहिष्कोण का मान कितना होगा त्रिभुज के शेष दो अंतः कोणों के योग के बराबर तो यह हो गया टू थीटा अभी कह सकते हैं कि ई ए और ये देखिए यहां पर ई ए और ई बी दोनों वेक्टरों के बीच का कोण क्या डिग्री हो गया टू थीटा हो गया अब जब टू थीटा हो गया और EA और EB आपस में बराबर हैं तो याद करिए हम उस दिन वेक्टर पढ़ाए थे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमने कहा था यदि दो वेक्टर आपस में बराबर हो तो परिणामी कहाँ से हो जाता है ठीक दोनों वेक्टरों के बीच में बीच से हो जाता है तो ये टू थीटा है इसका ऐसे कर देंगे EA और EB का परिणामी इधर होगा इस डायरेक्शन में होगा अगर इसका परिणामी ई है तो ऐसे ई कर लिया इस डायरेक्शन में हो गया अब ई का वैल्यू कैसे निकलेगी आर बराबर वेक्टर का परिमाण आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा थीटा के जगह पर यहां क्या है टू थीटा वैल्यू पुट कर देते हैं देखिए एक लाइन में कैसे निकलता है लिखेंगे बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर फार्मूला हम लिख दे रहे हैं अंडर रूट दो वेक्टर हैं ई ए और ई बी ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 2 theta EA बराबर EB है देखिए EA बराबर EB तो जहां जहां EB है वहां क्या लिखते हैं EA तो हो जाएगा यह E बराबर अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर प्लस 2EA EA cos 2 थीटा यह बराबर हो गया अंडर रूट EA स्क्वायर मिलकर के 2EA स्क्वायर प्लस 2EA स्क्वायर cos 2 थीटा इसमें से 2EA स्क्वायर कॉमन ले लें 2EA स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस cos 2 थीटा
यहां से E बराबर हो गया अंडर रूट 2EA स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, अंडर रूट 2 और 2 मिलकर के 2 दूनी 4, EA स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इधर मिटा लेते हैं, यहां पर अब E बराबर देखिए क्या आ गया, E बराबर 4 का वर्गमूल 2 EA स्क्वायर का वर्गमूल EA cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल cos थीटा। E बराबर EA बराबर है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। EA की वैल्यू पीछे दिया गया था और ए 2 हो गया 2 इनटू cos थीटा। ये जो ट्रायंगल है, चाहे तो आप कहीं कॉर्नर में साइड में नोट कर लें, ऐसे ऐसे नोट कर लें, समकोण त्रिभुज एओपी में, एओपी में cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर आधार, आधार का मतलब एल, आधार कर्ण का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस cos थीटा के जगह पर एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 अंडर रूट को ऐसे भी लिखते हैं। अब हम चाहें इसको तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इनटू 2L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। यहां पर 1 है, यहां पर 1/2 है, दोनों जुड़ेगा 3/2। और हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इनटू 2L, तो Q इनटू 2L के जगह पर P लिख देंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक वैसे ही R बहुत बड़ा होता है, L छोटा होता है, तो लिखेंगे R इज ग्रेटर देन L, इसलिए R स्क्वायर ग्रेटर 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 देन L स्क्वायर। अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, जब L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो देखिए क्या बनता है, यह हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये फार्मूला हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब। अब इसमें डायरेक्शन देखिए इसकी क्या आ रही है, डायरेक्शन थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे इधर था E, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसका डायरेक्शन इधर है, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो वैद्युत इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के विपरीत, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसके कहां आ रही है, बिल्कुल विपरीत आ रही है। तो नीचे लिख देंगे नोट, एक नंबर पे पूछता है नोट, नोट में लिखेंगे इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के
विपरीत होता है, विपरीत होता है। इस स्थिति का मतलब निरक्षीय अक्ष की स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के विपरीत होता है। और अच्छी अक्ष में क्या आया था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में होती है, ये ध्यान देना है आपको। दो फार्मूला निकला, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी अक्ष की स्थिति में और निरक्षीय अक्ष की स्थिति में, दोनों का रेशियो देख लेते हैं। इस फार्मूले को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई अच्छी बराबर 1/4πε0 टू पी अपान आर क्यूब, टू पी अपान आर क्यूब। ई निरक्षीय बराबर 1/4πε0 पी अपान आर क्यूब। ई अच्छी बटे निरक्षीय बराबर 2/1 बराबर 2 संबंध है, 1 का अनुपात होता है, ये भी पूछता है ई अच्छी और ई निरक्षीय। इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण आपको पढ़ा गया है 11th में रोटेशनल मोशन में, परिमाण में समान परंतु विपरीत बल, अलग अलग वैद्युत अलग अलग बल रेखाओं में लगे हों, तो दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, देखिए इसमें दो बराबर बल और विपरीत दिशा में है, एक हाथ आगे तो एक हाथ पीछे, दो बराबर बल है और दोनों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। दो बराबर बल विपरीत दिशा में हो और एक और चीज है कि दोनों बल की क्रिया रेखाएं क्या हो, अलग अलग हो, तो इन दोनों बलों में से कोई एक बल और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव पर भी बल युग्म का आघूर्ण लगता है, वो कैसे लगता है, तो देखिए कैसे लगता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने ऐसे बना दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इस तरह से। तो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर से किधर होता है आपको याद होगा, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन जो होता है वो किधर से किधर होगा, ये वैद्युत क्षेत्र ई है। वैद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, प्लस से, और कहां पे जाती हैं, माइनस की ओर। तो ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए इधर प्लस कहीं प्लेट होगा प्लस, और यहां पर कोई कौन सा प्लेट होगा माइनस प्लेट होगा, ऐसे माइनस, तो वैद्युत बल रेखाएं ऐसे क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। और इन वैद्युत बल रेखाओं में एक वैद्युत द्विध्रुव इससे थीटा कोण बनाते हुए ऐसे रखा गया है, ऐसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये है वैद्युत द्विध्रुव ऐसे, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम लोग क्या मानते हैं, 2L, ये 2L है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री पर रखा गया है, थीटा कोण पर, कि बताइए जब इस पर प्लस है आई इस डायरेक्शन में कहीं ना किसी प्लट पर ये निगेटिव होगा, तभी ना रेखाएं इधर से इधर जा रही हैं, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इधर, फोर्स, और फोर्स कितना होगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई,
क्यू इन टू ई क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर बता गया है आपको ए एफ बटे क्यू, तो यहां से एफ बराबर कितना होगा क्यू इन टू ई। ये वैद्युत क्षेत्र में जो प्लस आवेश है इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना फोर्स लगा, एफ बराबर क्यू ई, और निगेटिव को पॉजिटिव इधर खींचता होगा ऐसे इधर, तो इधर भी उतना ही बल लगेगा एफ बराबर Q into E। नेगेटिव का मतलब यहाँ हुआ वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में, अब पॉजिटिव का मतलब हुआ वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। जब ऐसे है इस पर बल एक इधर लगेगा और एक बल इधर लगेगा तो ऐसे ही इसको घुमाएगा, जब ये घुमाएगा इसको ऐसे तो इस पर इस घूमने में जो लग रहा है बल इसको बल ल करके टार्क बोलते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, ऐसे घुमाना। ये चार्ज लीनियर मोशन नहीं करेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमेगा। और जब सर्कुलर मोशन में फोर्स नहीं लगता है, क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है, तो उसी बल आघूर्ण को निकालना है। यहां बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण, इसको घुमाने के लिए दो बल है, युग्म है, इसीलिए इसका नाम रखा गया बल युग्म का आघूर्ण। ये बल युग्म का आघूर्ण कितना लगेगा वही हमें निकालना है। तो जरा इसके बारे में दोनों नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ऐसे बोलना है, देखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसकी लंबाई 2L है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु B पर स्थित आवेश प्लस Q पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, वैद्युत बल, वैद्युत बल लिख करके लिखिएगा, वैद्युत बल F बराबर क्यू ई, वैद्युत बल F बराबर क्यू ई वैद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा। और बिंदु A पर स्थित आवेश, और बिंदु A पर स्थित आवेश माइनस क्यू पर वैद्युत बल एफ बराबर माइनस क्यू ई वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत लगेगा। अतः ये दोनों बल मिलकर, अतः ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म की रचना करते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर
लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर इन दोनों बलों में से कोई एक बल बल गुणे। अब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसको पीछे बढ़ाया और यहां से एक लंब डाला है इसे, यही दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होगी C, लंबवत दूरी BC। टाउ बराबर दोनों बलों में से कोई एक बल बल गुणे BC, मतलब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यह बराबर बल कितना है F इंटू BC। यहां पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज बी ए सी बी में, ए सी बी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब क्या है बी सी, और कर्ण क्या है टू एल। तो यहां से आ जाएगा बी सी बराबर टू एल साइन थीटा। तो इस बी सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं टू एल साइन थीटा। अब यहां से देखिए टाउ बराबर एफ बराबर क्या है, एफ बराबर क्यू इंटू ई, दोनों में से किसी एक बल का परिमाण क्यू ई इंटू टू एल साइन थीटा, या टाउ बराबर लिख सकते हैं क्यू इंटू टू एल को एक पास क्यू टू एल, अब फिर लिखिए ई साइन थीटा और Q इंटू टू एल, तो याद होगा अब तो ये जाना पहचाना हो गया, याद रखिए हमेशा ब्रैकेट में लिख दीजिए P बराबर होता है Q इंटू टू एल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यह हो गया टाउ बराबर P E साइन थीटा, इतना उस पर टार्क लगता है, बल युग्म का आघूर्ण लगता है। या वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये वेक्टर फॉर्म में होगा, ये दोनों फार्मूला याद रहना चाहिए। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अगर पूछा जाए कि इस पर मैक्सिमम टाउ मैक्सिमम बल आघूर्ण कब लगेगा, तो मैक्सिमम के लिए थीटा का मान साइन का मैक्सिमम मान 90 डिग्री पे होता है जब ये लंबवत रखा हो, ऐसे रखा हो। तो लिख देंगे यहां पर नोट, नोट में लिख दीजिएगा यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो टाउ को लिखेंगे ऐसे मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई। इस स्थिति में कब टाउ का मान मैक्सिमम होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा के कहां रखा हो लंबवत रखा हो, जब लंबवत रखा रहता है तो उस स्थिति में बल युग्म का आघूर्ण मैक्सिमम होता है, टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई। शेष अब अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ हम लोग मिलते हैं, आप न्यूमेरिकल भी लगाइएगा और जितने भी चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एक चैप्टर पूरा वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पर मैं न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का साल सही दे रहा हूँ, साल है बिल्कुल, उसको आप एक बार नोट कर लेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।